Dear students, today we'll revise the chapter Cold War Era. We will discuss the Cold War timeline. This is very important. In this, the first and most important is 1947 Truman Doctrine. ये बहुत important one marker question है, that what is Truman's Doctrine? Truman's Doctrine is given by American President Henry Truman. It is about the containment of communism. अब containment of communism क्या है? कि Henry Truman की ये policy थी कि जहाँ जहाँ भी communist countries हैं उनको additional help provide की जाए, उनको economic aid दी जाए ताकि वो communist system को स्विच ऑफ करके वो अडॉप्ट कर ले कैपिटलिस्ट सिस्टम. सो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को कंटेन करना, उनको हेल्प आउट करना सो दैट कि वो अपना सिस्टम चेंज कर लें फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म. दिस इज ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन ऑफ द ईयर 1947. नाउ 47 टू 52 एक और प्लान इंट्रोड्यूस किया अमेरिका ने, दैट इज़ मार्शल प्लान. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट that US aid for the reconstruction of the Western Europe. यह हमने European Union में भी पढ़ा था, that Marshall Plan के through US ने economic aid provide करी Western European countries को. क्यों provide करी? ताकि वो USSR के influence में नहीं आए, communism के influence में नहीं आए. So these two points are very important, Truman's Doctrine and Marshall Plan. Exam point of view से ये काफ़ी important है. Then बर्लिन ब्लॉकेट 48 to 49 के बीच में सोवियत यूनियन ने बर्लिन को ब्लॉक किया, एयर सप्लाईज को बिल्कुल रोक दिया सो दैट कि यूएस और वेस्ट बर्लिन के लोग वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकें. सो कोल्ड वॉर टाइम्स में जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी. ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के पास था और वेस्ट जर्मनी यूएस के पास था. और यूएसएसआर ने एक बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट करी, बर्लिन ब्लॉकेट करके, जिससे दोनों एरियाज के सिटीजन्स अब आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे. नाउ कोरियन वॉर बिटवीन 50 to 53, एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर. हमने एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर पढ़ा था तो उसका एक एग्जांपल है कोरिया वॉर. कोरिया में नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में डिविजन हो गया बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी. नाउ 54 में defeat of the French by the Vietnamese at Dien Bien Phu, then signing of the Geneva Accords, then division of Vietnam. तो ये जो केस है ये वियतनाम से रिलेटेड है कि वियतनाम में जब कोल्ड वॉर राइवलरीज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई US और USSR के बीच में, तो वियतनाम का भी डिविजन हो गया, वियतनाम भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो ये भी एक एरेना है, एक कोरिया है, एक वियतनाम है. फिर एक इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ CATO. ये हमने पढ़ा था कि मिलिट्री अलायंसेस बने थे कोल्ड वॉर में, नाटो, सेंटो, CATO. सो CATO का अगर ईयर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 54. CATO का फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो CATO ऑर्गेनाइजेशन है ये US का मिलिट्री अलायंस है, ये 54 में बना था. और 54 to 75 में अमेरिका ने वियतनाम में एक्सेसिव इंटरवेंशन किया था. नाउ नेक्स्ट इज साइनिंग ऑफ द बगदाद पैक्ट, इट बिकेम लेटर ऑन CENTO. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हमने CATO पढ़ा, वैसे ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एशिया का कौन सा था? CENTO. सो CENTO सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको पहले इसका नाम बगदाद पैक्ट था, बाद में इसका नेम चेंज होकर के ये CENTO बन गया. इसका ईयर क्या है? 55 CATO 55 CENTO. फिर अगेन वन मोर एरेना ऑफ कोल्ड वॉर, दैट इज़ हंगरी. हंगरी में USSR ने इंटरवेंशन किया तो हंगरी में फिर US ने काउंटर किया, तो 56 में हंगरी वाला केस हुआ. नाउ नेक्स्ट इज 1961 US स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ऑफ क्यूबा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल. सो जब बर्लिन ब्लॉकेट हुआ तो 61 में बर्लिन वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया, तो वहाँ पे जो दोनों के बीच में राइवलरी और इंक्रीज हो गई. 62 हमने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, देन 65 अमेरिकन इंटरवेंशन इन द डोमिनिकन रिपब्लिक, 68 सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया. तो ये कुछ एरियाज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने अपने
आइडियोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए इंटरवेंशन किया अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक में, सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवाकिया में. देन 72 ईयर इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट व्हेन यूएस मेंटेन रिलेशंस विद रशिया, सॉरी चाइना. सो यूएस प्रेसिडेंट ने चाइना में विजिट करी 72 में. देन वियतनामीज इंटरवेंशन इन कम्बोडिया, वियतनाम में जो दोनों कंट्रीज में जो राइवलरी चल रही थी तो उन्होंने इसको कम्बोडिया में भी इंक्रीज़ किया. फिर अफगानिस्तान में इंटरवेंशन हुआ. 79 इज़ द ईयर, 79 ईयर इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट व्हेन यूएसएसआर इंटरवेंट इन अफगानिस्तान. देन 85 गॉर्बाचोव बिकेम प्रेसिडेंट एंड स्टार्टेड रिफॉर्म प्रोसीजर. 89 फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. दिस सिग्निफाइज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो गया 89 से. और ऑफिशियली कब हुआ, 91 में, और 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया. तो 89 ईयर आपको ध्यान रखना है, और 91 में एंड ऑफ कोल्ड वॉर और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. सो दिस टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.